साल पहले लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए जमा करके फरार हुए आरोपी को स्थानीय गुनी शाखा ने गिरफ्तार किया है। पंकज पुरुषोत्तम फूलझेले गंज वार्ड चंद्रपुर ने 2015 में ओरिएंट एंड ओजस बायोटेक नाम की कंपनी और वर्गदन सोसाइटी वाड़ी नागपुर स्थापित करके कुछ लोगों को एजेंट के तौर पर काम पर रखा और कर्मचारियों की पहचान के और अलग अलग लोगों से पैसे इन्वेस्टमेंट करके उस पर अच्छा खासा ब्याज कंपनी के प्रॉफिट में से देने का लालच देकर उनको इन्वेस्टमेंट करने को बाध्य किया। उसके जाल में फंसकर कुछ सेवानिवृत्त लोगों ने उसके तरफ पैसे इन्वेस्टमेंट किए। उसने शुरुआत में कस्टमर को अच्छा ब्याज दिया जिससे लोगों में भरोसा हासिल किया। इसके कारण लोगों ने कुल 2 करोड़ रुपए उसके कंपनी में इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने लोगों को ब्याज देना बंद किया। जब लोगों ने पैसे मांगना शुरू किया तो उसने ब्याज के साथ मुद्दल भी नहीं दिए। इसलिए 15 अप्रैल 2019 को रामनगर पुलिस स्टेशन में भादवी कलम 420-34 अन्वय अपराध दर्ज किया गया। अपराध दर्ज होते ही वह परिवार के साथ फरार हो गया। इस अपराध की जांच करने के आदेश जिला पुलिस अधीक्षक ने स्थानीय गुनेह शाखा के पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े को दिए। आरोपी को ढूंढने के लिए खाड़े ने आरोपी का लोकेशन की जाँच की। उसका लोकेशन पालघर में मिला। उन्होंने सपोनी बॉबडे और पहुवा अभय मुर्तरकर को आरोपी पकड़ने के लिए पालघर में भेजा। आरोपी पालघर में लक्ष्मी लॉज में रहने की जानकारी मिलती पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 2015 मध्ये पंकज फुलझेले नावाच्या ह्या आरोपीने चंद्रपूर मध्ये जटपुरा गेट जवळ त्याने त्याची पत्नी आणि त्याचा भाऊ धीरज अशा तिघांनी मिळून एक ओरिएंट बायोटेक अँड ओजस बायोटेक नावाची एक कंपनी रजिस्टर्ड केली, ऑफिस सुरू केलं। त्या ठिकाणी त्यांनी काही एजंटची नेमणूक केली आणि तो एजंट मार्फत लोकांना एक आमिष देत होता की तुम्ही या कंपनीत गुंतवणूक करा, त्याच्यावरती आकर्षक व्याज दिलं जाईल। अशा पद्धतीने चंद्रपुरामधले आणि बाहेरचे काही असे 40 ते 45 लोकांनी, काही लोक तर निवृत्त झालेले आहेत, निवृत्तीचे पैसे गुंतवणूक केले, काही दिवस त्यांना व्याज दिलं आणि नंतर व्याज देणे बंद केलं। जवळपास 2 करोडच्या आसपास लोकांनी इन्व्हेस्ट केलेले आहे त्याच्याकडं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी व्याज देणं बंद केल्यानंतर लोकांना थोडा डाऊट आला। त्यांनी रामनगर पोलिसला तक्रार दिली। त्यांच्या तक्रारीवरून 2019 गुन्हा दाखल केला त्याच्यावरती आणि त्याची पत्नी आणि त्याच्या भाविरुद्ध। हे त्याला माहिती झाल्यानंतर तो कुटुंबासह पसार झाला। तो वेळोवेळी जागा बदलून तो पसार होत होता, मिळून येत नव्हता। आणि सदर गुन्ह्याचं थोडं गांभीर्य बघून माननीय SP सरांनी आम्हाला आदेशित केलं गुन्हे शाखेला की याला कुठल्या परिस्थितीत ह्याला शोध घेऊन पकडा। त्याच्यानुसार आम्ही त्याचे नवीन मोबाईल नंबर प्राप्त करून टेक्निकल तपास केला आणि माननीय SP सरांच्या आदेशाने आम्ही LCPचे API बोबडे आणि टीम त्याचा ठावठिकाणा शोधून त्याला पालघर या ठिकाणाहून ताब्यात घेतलेला आहे। त्याला इथं आणून रामनगर पोलिसच्या ताब्यात दिलेला आहे आणि पुढील तपास रामनगर पोलिस करीत आहे।